तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो आज हम जा रहे हैं बीनोंग हिल्स पे। तो अभी हम खड़े हैं केंद्र विद्यालय अपर कैंप के सामने, जो कि चुपानी से जस्ट थोड़ा सा पहले है। तो आप देख सकते हैं वो सीधा रास्ता मसूरी की तरफ और ये वाला रास्ता किमाड़ी की ओर। ये किमाड़ी वाला रास्ता मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल यहाँ पे शांति और ग्रीनरी आप देख सकते हैं। ये रास्ता भी एक शॉर्टकट है मसूरी जाने के लिए, ये लोकल लाइट्स को तो पता है और बाहर से जो आते हैं उनको पता नहीं है, और हम चाहते हैं कि उन्हें पता भी ना हो, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर रास्ता है। अगर सबको पता चलेगा तो फिर सब लोग यहीं से जाएंगे और यहाँ पर फिर ट्रैफिक वगैरह वैसी भीड़ होने लग जाएगी और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो खो जाएगी। तो अभी हम खड़े हैं जॉर्ज एवरेस्ट चौक पे। ये नीचे वाला रास्ता जॉर्ज एवरेस्ट जाता है और ये वाला क्लाउड एंड की तरफ, हम यही वाले रास्ते से जाएंगे। ये ऊपर वाला रास्ता भद्रास की तरफ जाता है, हमें यही रूट पकड़ना है बिल्कुल स्ट्रेट। अभी हम जा रहे हैं बीनोंग हिल्स पे, जो कि जॉर्ज एवरेस्ट की पीछे वाली पहाड़ी को बोलते हैं। उस हिल की एक ख़ास बात है जो मैं आपको अभी बताऊँगा। ये एरिया मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आगे हमें फॉरेस्ट वालों का एक चेक पोस्ट मिलेगा और वहाँ पे हमें अपना एंट्री करवा के अंदर जाना होगा। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं वो स्ट्रेट रोड भद्रास के लिए, और ये वाला जो कट है ये जाएगा बीनोंग हिल्स के लिए, और बीनोंग हिल्स के टॉप पे आपको ज्वाला जी का मंदिर भी मिलेगा। ये रहा मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द्वारा बोर्ड, और इस पे लिखा है 1 किलोमीटर अहेड, जो कि है हमारा चेक पोस्ट। तो अभी हम इस रूट पे तकरीबन 500 मीटर तक चल चुके हैं, और मेरे साथ है दीपेश और कार्तिकेय, मेरे दो दोस्त जो कि अक्सर मेरे साथ सारे ट्रिप में होते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं बिल्कुल कब से, देखते हैं कब आता है चेक पोस्ट। वो रहा दोस्तों टॉप ऑफ बीनोंग हिल्स, हमें वहीं पे जाना है जो आप देख रहे हैं बिल्कुल टॉप पे। यहाँ पे एक छोटा सा आप स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे, जो कि है ज्वाला जी मंदिर का स्ट्रक्चर, और यहीं पे हम जाएंगे अभी। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, हवाएं तेज़ तेज़ से चल रही है, और इससे क्या हो रहा है कि हमें थकान नहीं लग रही है, तो काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं अभी भी। हम पहुँच चुके हैं चेक पोस्ट पर, और दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि किसी भी प्रकार की पॉलीथीन का यूज़ करना प्रतिबंध है, और ये हमारी जिम्मेदारी ही बनती है कि हम अपने मातृभूमि को स्वच्छ रखें। तो अभी हमारी यहाँ पे एंट्री होगी, एंट्री आप देख सकते हैं 150 रुपये भारतीयों के लिए और 600 रुपये विदेशियों के लिए। तो दोस्तों अभी हमने एंट्री तो ले ली है, अभी हमें इसी रूट पर तकरीबन 3 किलोमीटर तक ऊपर और चढ़ना है, जो कि है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन बीनोंग हिल्स का टॉप, ज्वाला जी मंदिर। और ये जंगलों वाला ट्रैक है जो कि काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों बीनोंग हिल्स की चोटी पर ज्वाला जी मंदिर की स्थापना सदियों पहले की गई थी, जहाँ पे प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। 1971 को 8 ज्योतें अलग अलग धार्मिक स्थानों से लाई गई थी, जिसमें से एक ज्योत श्री ज्वाला जी हिमाचल प्रदेश से ला के यहाँ पर 5 जुलाई 1971 को स्थापित की गई थी। उसके एक वर्ष उपरांत माँ ज्वाला जी देवी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 30 व 31 अक्टूबर नगर निगम व पर्यटक विभाग मसूरी द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले अथवा जागरण का आयोजन किया जाता है। अगर हम अभी अक्टूबर के वक्त इधर आते तो इस जगह का माहौल ही कुछ और होता, क्योंकि उस समय लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बीनोंग हिल्स की तरफ जा रहे होते। पर अभी अक्टूबर आने में समय है, पर हम आपसे वादा करते हैं कि हम एक बार अक्टूबर में भी ज़रूर आएंगे। आप सुन सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा शांति है। ये देखिए लोग थक चुके हैं,
कैमरा टीम थक चुकी है बिल्कुल, अभी भी चढ़ना है हमें 1 किलोमीटर और। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है और ये अच्छा भी है, मतलब लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ये हिडन प्लेसेस हैं और हिडन ही रहे तो अच्छा है। तो बस अभी 200-300 मीटर और रह गए हैं, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बेनोंग हिल्स के टॉप पे और सामने आप देख रहे हैं श्री ज्वाला जी देवी का मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी यहाँ से। तो अभी हम दिखाते हैं आपको बेनोंग हिल्स के आसपास का एरिया भी। तो ये रहा वो एरिया, वो जो आप चोटी देख रहे हैं वो है जॉर्ज एवरेस्ट और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रहा मंदिर अभी तो बंद है क्योंकि ये नवरात्रि के दिन या फिर 30 व 31 अक्टूबर के दिन यहाँ पे खुलता है। फ़िलहाल आप व्यू का आनंद लीजिए। ये मंदिर का बैक साइड है, आपको दिखाते हैं यहाँ से भद्राज मंदिर, जो कि वो आप छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे पहाड़ के टॉप पे, वो भद्राज मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है जहाँ पे भगवान शिव, भगवान गणेश और माँ पार्वती की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। एक छोटी सी गुफा मिलेगी आपको ठीक मंदिर के साइड में। मंदिर के तो दर्शन कर लिए, अब आपको हमारे खाने से दर्शन करवाते हैं, जो कि हम अपने साथ घर से लेके आए थे यहाँ पे बैठ के थोड़ा समय बिताने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो प्लास्टिक की बोतलें हैं और ये जो टेट्रा पैक है, इसको हम अपने साथ लेके जाएंगे, हम कोई भी यहाँ पे गंदगी नहीं करेंगे। और हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी कोई ऐसी गंदगी ना फैलाएं। लोगों के फेंके हुए टेट्रा पैक को भी साफ कर रहे हैं, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है अभी, धूप इतनी तेज़ है पर फिर भी आपको थोड़ी ठंडी लगेगी क्योंकि हवा इतनी तेज जो चल रही है। और अभी हम बस उतर रहे हैं बेनोंग हिल से वापस जाने के लिए, आपको दिखाते हैं जगह और रास्ते जहाँ से हम वापस जाएंगे। सबसे लास्ट में आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं वो मेरा फ्रेंड वो आगे उतर रहा है, हम इसी रास्ते से उतरेंगे। तो बस अभी हम उतर चुके हैं वापस अपने चेक पोस्ट पे। तो अभी हम जस्ट उस ऊपर मंदिर से वापस आए, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों इसी खूबसूरत व्यू के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।